पर और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर खाद नहीं मिलने पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। कृषि विभाग के सामने किसानों ने हंगामा किया, जमीन पर बैठकर किसानों ने प्रदर्शन किया। मांग ये थी कि उन्हें खाद मिले। किसानों के साथ प्रशासन के बर्ताव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि वहां पर मिलने को लेकर अधिकारी नहीं मिले, इसको लेकर किसानों में नाराजगी है, जिसके चलते किसान कृषि विभाग के दफ्तर पहुंच गए थे। किसान करीब 15 दिन से वेयर हाउस के चक्कर लगा रहे हैं। आरोप उनका यह है कि प्राइवेट दुकानों पर खाद बिक रहा है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिले। विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान का ये पूरा लोकसभा क्षेत्र भी है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी को लेकर आशंका जताई है और आप ये देखिए किस तरीके से अधिकारी के सामने बाकायदा जाकर नीचे बैठ गए, एसडीएम के दफ्तर में धरना दिया, अपनी शिकायत दर्ज कराई, खाद के लिए नारेबाजी की और आरोप ये है कि भाई वहाँ खाद की कालाबाजारी हो रही है, मार्केट में प्राइवेट दुकानों पर बिक रहा है लेकिन किसानों को टोटल साहब